जी हाँ, अगर हम अपनी मंजिल को पा लें तो इससे बढ़कर खुशी और हमारे लिए क्या होगी। एक ऐसी शख्स या एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी मिसाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। फिलहाल उन्होंने अभी जो हाल ही में फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड 2022 का जीता है, इसके पहले मिस छत्तीसगढ़ और मिस भिलाई भी रह चुके हैं। तो हम आपको मिलाते हैं मिस ट्रीना मिंस से। ये एक शल्य चिकित्सक या कह सकते हैं जनरल सर्जन है रायपुर एम्स में, और हाल ही में इन्होंने एक बड़ा खिताब हासिल किया है। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। चंद सवाल आपसे करना चाहूंगी। आप एक सर्जन हैं, जनरल सर्जन हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में सेवा देती हैं। इस फील्ड में, इस फैशन की या ग्लैमर की दुनिया में आने का कैसे सोचा? मैं एक डॉक्टर हूँ और शल्य चिकित्सक हूँ, और ये मेरा समाज को देने के लिए एक कैसे मैं लोगों से पहुंच सकती हूँ और उनको दे सकती हूँ, वो एक तरीका है। मुझे जो मिला है आज तक, जो ज्ञान मिला है, जो शिक्षा मिली है, मैं वो कैसे अपने लोगों को दे सकती हूँ, वो मैं शल्य चिकित्सा की तरफ से देती हूँ। और मैं पैजेंट की दुनिया में घुसी हूँ क्योंकि ये मेरा सपना था बचपन का कि मैं किसी पैजेंट में जाऊँ और वहाँ जीत के आऊँ और अपने शहर और अपने स्टेट और अपने देश का नाम करूँ, इसीलिए मैं ये पेजेंट गई थी। जैसा कि प्रतिस्पर्धा का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, इस दौर में आप ग्लैमर में अपना अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने गई, वहाँ का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव था, और जो कॉम्पिटिशन था बहुत ही जबरदस्त था और बहुत ही बराबरी का था। और सारे क्योंकि ये फर्स्ट लेवल जो था, जो शहर का लेवल, वो ऑनलाइन था कंपटीशन, तो हर शहर के कोने कोने से लड़कियां आई हुई थी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप सोशल मीडिया न्यूज़ की तरफ से हर जगह पहुंच सकते हैं, शहर के हर कोने कोने में पहुंच सकते हैं। तो सब जगह से लड़कियां फर्स्ट लेवल में, जो सिटी लेवल में कॉम्पिटिशन था, वहाँ आई थी। फिर उसके बाद क्षेत्र के स्टेट लेवल में, जो छत्तीसगढ़ लेवल था, वो भी जयपुर में था, जयपुर मैरियट होटल में, और वहाँ से भी पूरे हर स्टेट से एक एक लड़की आई थी, और बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही जोरदार कंपटीशन रहा। जो अभी आपने जो फॉरएवर स्टार इंडिया में अपना रिप्रेजेंट किया, तो कितनी पार्टिसिपेट थी और अलग अलग स्टेट से आई होंगी, उन सब लोगों का अलग चाल, अलग भाषा, अलग लैंग्वेज, अलग खान पान कैसा रहा वहाँ का अनुभव? वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे लोगों से मैं मिल पाई, बहुत कुछ नया सीखी, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम सब एक दूसरे से बहुत अलग थे, और ये बहुत ही लाइफ का, जिंदगी का बहुत ही अनोखा दिन था मेरे लिए। ऐसा कौन सा सवाल था जिसने आपको उलझाया? उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि अगर आपको डॉक्टरी चुनना है या पेजेंट और खूबसूरती की दुनिया चुनना है, तो आप क्या चुनेंगी? तो मैंने उनको कहा कि जो डॉक्टरी है, ये मेरा तरीका है जिससे मैं लोगों तक पहुंच सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, अपने पेशेंट्स का केयर कर सकूं, मुझे जो कुछ भी मिला है वो मैं समाज को दे सकूं। और मैं सब समय वैसे ऑपरेशन करती हूँ, मगर जो पेजेंट वालों ऑर्गेनाइजर की कोऑपरेशन से मैं ब्यूटी पेजेंट भी जीत सकती हूँ, ये जवाब ने मुझे जिताया है। लेकिन फिर भी इसे क्लियर नहीं हुआ कि दोनों में आप किसे चुनेंगे? मैं तो सर्जरी मुझे बहुत पसंद है, ये मेडिकल फील्ड में घुसते साथ ही मैंने सोच लिया था कि मैं जनरल सर्जन बनूंगी, शल्य चिकित्सक बनूंगी, और मैं जो अभी काम कर रही हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे जाके मैं यहाँ तक जीत पाई हूँ, अभी आगे जाके मेरे रास्ते में क्या है उसके ऊपर निर्भर है कि मैं आगे जाके क्या करती हूँ, तब तक मैं अपनी सेवाएं दूंगी। आपने अपने वीडियो में बताया आपको गार्डनिंग का शौक है, कुकिंग का शौक है, डांसिंग भी आपने काफी क्लिपिंग मुझे दिखाई है। एक गृहस्थ जीवन के लिए आप ग्लैमर में रहते हुए क्या अपना योगदान देंगे? मैं जब गृहस्थ जीवन शुरू करूंगी तो मैं अपना गृहस्थी भी अच्छे से संभालूंगी, और जो अपना काम है जो मैं अभी कर रही हूँ वो भी मैं जारी रखूंगी, और मैं सोचती हूँ और मैं मेरे दिल में है कि मुझे जिससे शादी होगी मेरी, वो भी मुझे मदद करेगा और सपोर्ट करेगा।
आपने अभी नेशनल लेवल की कंपटीशन में भाग लिया, विजयी रही, अच्छा टॉपर रही। अगर इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता होगी और उसमें आपको भाग लेने का मौका मिलेगा तो क्या आप उसके लिए एग्री रहेंगी? जरूर, मैं बिल्कुल जाऊंगी, क्योंकि वो हमारे हर व्यक्ति का एक सपना रहता है कि वो अपने देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जिता सके। तो मैं जरूर जाऊंगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में और अपने देश का नाम रोशन करके आऊंगी। आप एम्स में डॉक्टर हैं, डॉक्टर रहते हुए दो पार्ट में कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, क्योंकि आप एक सर्जन हैं, तो जाहिर है कि दिन भर में आपको सर्जरी करनी होती होगी, उस दौरान में अपने इस प्रोफेशन को और उसको कैसे अलग अलग कर पाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे? अभी फिलहाल मेरी तो अभी गृहस्थी शुरू नहीं हुई है, तो मैं अभी मेरे पास टाइम है ये करने के लिए, और मेरे परिवार वाले हैं, मेरे माता पिता और भाई, और उनकी सहायता से मैं ये कर पा रही हूँ, तो मैं उनकी भी बहुत आभारी हूँ। जीवन साथी कैसा चाहती हूँ? जीवन साथी कोई ऐसा हो जो मुझे समझे और मेरे काम को समझे और मैं भी उनको समझ पाऊँ, और ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम एक साथ तरक्की कर सके। अब मैं मेडिकल लाइन से कुछ सवाल जाऊंगी, क्योंकि आप रायपुर एम्स से हैं। कोविड के टाइम पे काफी देखा गया कि डॉक्टरों ने अपने ऐसा रोल अपना अदा किया कि खुद समझ आए, कहना ही बाकी था कि अपनी जान डालकर पेशेंटों को उन्होंने बचाया। इस समय में आप रहेंगे वहां पर एम्स में, तो कैसा स्थिति थी वहां की? कोविड के समय एम्स में बहुत सारे पेशेंट आए थे, और इतने सारे पेशेंट आए थे कि हमें नए नए वार्ड खोलने पड़े थे, और मेरी भी कोविड ड्यूटी लगी थी, और हमने बहुत ही मेहनत किया था ताकि सारे पेशेंट को जितना भी बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके, और जितने भी पेशेंट हैं उनकी हम जान बचा सके। और हमारी बहुत ही अच्छी टीम थी कोविड में एम्स रायपुर की, और अनुभव तो ऐसा था जिसने बहुत ही डरावना भी था, क्योंकि हमने बहुत सारी मृत्यु भी देखी थी जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड है, मगर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और कि हमारे पास जिंदगी है, कब चले जाए ऐसा पता नहीं, तो अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, ये मैंने सीखा है कोविड में आने के। आप सर्जन हैं, कहते हैं कि अगर कोई जज अपने परिजन अपने घर के लोगों को सजा सुनाता है उसके हाथ कांपते हैं। आप सर्जन हैं, घर के लोगों में अब किसी करीबी का ऑपरेशन करने की नौबत आई तो कैसा करें, ऐसा भगवान ना करे भी हो तो कैसा महसूस करें? हमारे मेडिकल फील्ड में ऐसा नियम है कि अपने करीबी और अपने परिवार वालों को आप ऑपरेशन या ट्रीटमेंट जितना ज्यादा हो सके ना करें, क्योंकि जब आपके परिवार वाले होते हैं और करीबी वाले होते हैं उनसे आपका भावनाएं जुड़ी हुई रहती है, और इसी कारण हमें बोला जाता है सारे डॉक्टर्स को कि आप कोई अच्छे डॉक्टर जो आपको जानते हैं या आपके कोई कलीग उनसे आप ट्रीटमेंट दिलवाएं। अब फिर सवाल ग्लैमर से जुड़ा, आपके प्रोफेशन से हट करके सवाल है, जो भी आपने पार्टिसिपेट किया उसमें विनिंग रही, कि घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? मेरे घर में मेरी पापा हैं और मेरी मम्मी हैं और मेरा छोटा भाई है, और मेरे पापा जो भी डॉक्टर हैं वो जनरल मेडिसिन फिजिशियन हैं, वो पूरे हम इस फील्ड में बहुत नए हैं, तो उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इस सौंदर्य की दुनिया की वो निकाल के उन्होंने मुझे बताया, और बताया कि ऐसा ऐसा होता है, और मेरी मम्मी ने मेरे सारे क्या तुमको पहनना चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम क्या पहनोगी तो तुम्हारा अंदर का पर्सनैलिटी बाहर आए, तो वो सब मेरी मम्मी ने मुझे डिसाइड किया और मुझे हेल्प किया। और मेरे भाई ने जो बहुत ही अच्छा है सोशल मीडिया में और कंप्यूटर में, तो उसने सारा जितना मीडिया बनाना था और जितना वीडियोस बनाना था तो उसने मुझे उसमें हेल्प किया। सौंदर्य प्रतियोगिताओं को लेकर काफी सारी अफवाहें सरगर्म होती है कि इस पड़ाव को पार करने के लिए पार्टिसिपेट को ये करना होता है, फुहड़ता होती है, सवालात भी काफी उलझाने वाले या गंदगी वाले होते हैं, ऐसा चर्चा रहती है, आप उसे गुजर कर अभी आई हैं, तो अपने अनुभव मीडिया के जरिए बताएं, साझा करें। तो ये जो कंपटीशन था ये जहाँ पे जिस एरिया में हुआ था वो बहुत ही सेफ और सिक्योर एरिया था, और होटल मैरियट जयपुर में हुआ था, और वहाँ पे सबको एंट्री अलाउड नहीं था,
तो जितने ऑर्गेनाइजिंग कमिटी थी उनके अंदर और जो जजेस थे उनके सामने ये पूरी प्रतियोगिता हुई थी। और जहाँ की सवाल होता है कि गंदे नजरों से देखा जाता है, वो बात नहीं है। ये जो प्रतियोगिताएं हैं इसमें लड़कियां अपनी अंदर की जो सुंदरता है उसको प्रकट करती है अपने चाल से, अपने बात करने के तरीके से और अपने रहने के पहने के तरीके से। और ये एक तरीके से महिलाओं को एम्पावरमेंट देती है और महिलाओं को बढ़ावा देती है। और ये जरूरी नहीं है, जैसे हम जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये महिलाओं को ये बढ़ावा देती है कि सारी महिलाएं सुंदर हैं और सुंदरता सबके अंदर है। तो अपनी जो अंदर की सुंदरता है उनको, उसको पहचानिए और उसको किस तरह से आप प्रकट कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, बाहर ला सकते हैं ये आपके ऊपर है। आपने अपनी वीडियो में बताया कि वुमेन एम्पायर के लिए आप उसकी महिलाओं के लिए काम करेंगी, किस तरह का प्रयास करेंगी उसके लिए? मेरा ऐसा मानना है कि जो महिला होती है और जो लड़की होती है वो बहुत ही, हर परिवार का बहुत ही बड़ा अंग रहता है। हर महिला और हर औरत पूरे परिवार को चलाती है। तो मैं चाहती हूँ कि महिला अपने शिक्षा और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि अगर महिला अपना स्वस्थ और अपनी शिक्षा अच्छा रखेगी तो वो महिला पूरे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा दे सकती है और इस तरह से पूरा देश आगे बढ़ सकता है। ग्लैमर के अलावा आप चिकित्सा जगत से हैं, अभी कोविड का काफी वो देखा जा रहा है, तो कोविड को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया हो या न्यूज हो, सभी में कोविड को लेकर काफी लोगों में दहशत है और इसके दोबारा आने को लेकर भी काफी हलचल है, बताएंगे कोविड को लेकर? तो कोविड को लेकर मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि मास्क पहनिए, हाथ साफ करिए और लोगों से दूरी बना के रखिए। बस ये तीन चीज है, बस इतना हम करेंगे तो बहुत तरीके से कोविड कंट्रोल हो सकता है। बहुत बार हम बहुत ढीले पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि कोविड चला गया है। तो अभी जब हमें न्यूज में आ रहा है कि कोविड की कुछ केसेस दिखे जा रहे हैं और कोविड की बढ़ने की संभावना है, तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बस तीन सिंपल चीज करना है, मास्क पहनिए, थोड़ा दूर रह के लोगों से बात करिए और हाथ धोइए। सभी महिलाओं को उनका सपना पूरा हो जाए ऐसा मौका नहीं मिलता, आप उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी या कैसे टिप्स देना चाहेंगी जो अपनी प्रतिभाओं को अंदर दबाए हुए हैं, बाहर किसी कारणों से नहीं ला पाएं? सबसे पहले तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आपका जो भी सपना है या आपकी जो इच्छा है जो आप पूरा करना चाहते हैं उसके बारे में आप अच्छे से पता लगाएं, सब तरीके से, सब तरह के लोगों से। आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ जो भी आपको जानना है आपका एक क्लिक में आपके हाथों और आपकी आंखों के सामने है। तो जो आप करना चाहती है, सब लोग सब कुछ नहीं करना चाहते, कुछ लोग कुछ है जो उनके इंटरेस्ट का रहता है वो करना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूरा पता लगाएं, फिर अपने लिए गोल सेट करें कि मुझे ये करना है और उसमें पूरा अपना मेहनत करें। और मेहनत बढ़ते रहना चाहिए और अगर सपोर्ट चाहिए, जिनको सपोर्ट नहीं है, जिन महिलाओं को, वो सपोर्ट के लिए ढूंढें। जब वो बात करेंगे कि मुझे ये करना है, लोगों से बात करेंगे तो उन्हें लोग मिलेंगे। तो मैं महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि आपकी जो इच्छाएं हैं और आपकी जो ख्वाब है उनको अपने दिल में रह के नहीं बैठिए, बाहर जाइए, लोगों से बात करिए, लोगों से मिलिए। अगर आपको अपने परिवार के अंदर सपोर्ट नहीं मिल रहा है या सहायता नहीं मिल रही है तो बाहर जाइए, बाहर लोगों से मिलिए और जो आपको रास्ता दिखाएंगे आपको आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए सही रास्ता चले। ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आप शहरवासियों को, ग्रैंड एशियन के माध्यम से मैं शहरवासियों को क्रिसमस और नए वर्ष की शुभकामना देना चाहती हूँ और हमारा जो नया वर्ष हो वो आप सबके लिए स्वस्थ वर्ष रहे और कोविड नहीं रहे और कोविड के बिना हम नए वर्ष में नए ख्वाब और नए इच्छाओं के साथ स्वस्थ रूप से आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं हैं।
तो दर्शकों ये थी ट्रीना मिंस जो हाल ही में फॉरएवर स्टार इंडिया में मिस इंडिया का खिताब जीत कर आई हैं। उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। एक मेडिकल लाइन से जुड़ी होने के बावजूद उन्होंने ग्लैमर में किस तरह का रहने का प्रयास किया और अपनी सफलता को पाया, ये हमसे साझा किया। अगले एपिसोड में हम किसी और शख्सियत के साथ मौजूद रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।